नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव एफर्ट से डब्ल्यू टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिशा से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि पीक वेल्डिंग वेल्डिंग का सेटअप कैसा किया जाता है, सेटिंग कैसा किया जाता है और उसका बिहेवियर प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग नॉलेज देने वाले हैं। हमारे यहाँ से चंद्रपुर से मिस्टर सुजीत नागरले आए हैं यहाँ पे, तो उनको हम लोग पीक वेल्डिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बाकी के हमारे और दो कंसल्टेंट मुंबई के है, एक राम से आए हुए, तो उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि टीक वेल्डिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों टीक वेल्डिंग करना है तो कभी भी आपको पहले ध्यान रखना है कि टीक वेल्डिंग कैसा होता है कि आपका एक मशीन का मशीन रहता है वेल्डिंग का। मशीन को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पोल में जो रहता है आपका पॉजिटिव पोल में आपका का जो एरिया है वहाँ पर क्या लगता है आपका अर्थिंग लगता है, क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव यूज करते हैं। तो पॉजिटिव पोल का जो हम लोग पोल है उसका जो कनेक्शन है रहता है वो डायरेक्ट जॉब को देते हैं, और नेगेटिव पोल का जो कनेक्शन रहता है हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे टॉर्च अटैच करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब टीक वेल्डिंग हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव पोलैरिटी यूज करके टंगस्टन को क्या करते हैं हम लोग ऑनली हीट करते हैं, और टंगस्टन हीट होने के बाद में आर्गन का क्या करते हैं हम लोग गैस का शील्डिंग करते हैं और उसमें एडिशनल वायर दे के हम लोग अभी वेल्डिंग करते हैं। तो सबसे प्रथम आपको समझना रहेगा इसका जो टॉर्च रहता है वो हम लोग क्या करता है, मशीन का जो नेगेटिव कनेक्शन है वहाँ पे इसको लगाया रहता है। ये जो है आपका बैक कैप है, ये आपका सिरामिक शील्ड है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलेट, ठीक है। ये होगा तुम्हारा टंगस्टन, जब हम लोग वेल्डिंग करने जाते हैं तो गैस जब आता है तो हमारा नेगेटिव पोलैरिटी में हम लोग इसमें नेगेटिव पोलैरिटी यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि टंगस्टन हीट होता है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, 2700 डिग्री तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं इसमें से करंट पास होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का, तो ये जो टंगस्टन क्या होता है हीट होता है, और हीट होने की वजह से क्या होता है जॉब आपका मेल्ट होता है, और सेम टाइम में क्या होता है आर्गन जो रहता है आर्गन उसको क्या करता है शील्डिंग करता है जो मटेरियल मेल्ट होता है उसको, और उसमें हम लोग एडिशनल वायर देके क्या करते हैं वेल्डिंग करते हैं। तो आपको ये सब पार्ट्स के नाम भी मालूम होने जरूरी है। इसका भी सेटअप कैसा लगाना मैं आपको पहला बताता हूँ। ये वॉशर है, इसमें कुछ गैप रहेगी, यहाँ से गैस लीकेज ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पीछे वॉशर लगाते हैं। ये आपको कॉलेट जो है कॉलेट हम लोग क्या करते हैं ऐसा लगाते हैं, और पीछे क्या करते हैं हम लोग इसको ये कैप लगाते हैं, बराबर है। कैप लगाने के बाद में आपको जैसे ही कैप घुमा दे इसके जो ये रहते हैं जो स्लॉट्स रहते हैं आप जैसे इसको पीछे से टाइट करोगे वैसे स्लॉट क्या होते हैं टाइट होते हैं, और टंगस्टन को क्या करता है ग्रिप कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करें घुमा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सिरामिक शील्ड लगाना है, आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि इसका जो डायमीटर रहता है सिरामिक शील्ड का वो डायमीटर से उतना ही आगे उतना ही लिमिट तक आगे टंगस्टन को निकालना, अगर तुम जिसका 10 एमएम का डायमीटर है तो 10 एमएम से बाहर में निकालना। तो ये बार आपको ध्यान में रखना है कि जितना ये सिरामिक का डायमीटर रहेगा डायमीटर के अगेंस्ट में उतना उसका लिमिट रखना बाहर निकालने का, और ये जो टंगस्टन है आपका बराबर इसके सेंटर में रहना चाहिए, वो बात ध्यान में रखना है। जब भी आप गैस चालू कर रहे जाओगे तो ये जो सिलेंडर का है आपको क्या करना है, पहला ये आपका सब कनेक्शन है वो पूरा लूज रहना चाहिए, अगर इसको टाइट रखोगे डायरेक्टली गैस खोलोगे तो गैस प्रेशर से आएगा क्या करेगा इसको तोड़ देगा और आपके आंखों में वगैरह इंजरी हो सकती है, इसलिए इसको पहला लूज रखने का, बाद में 3 आटा घुमा देने का, बाद में इसको थोड़ा 50 bar तक प्रेशर देने का, और यहाँ पे 10 LPM तक उसका ये बॉल आना चाहिए, वही सब से इसका गैस का प्रेशर सेट करना है, वो बात ध्यान में आ गया। उसके बाद में आपका जॉब का थिकनेस कितना है वो आपको देखना है, और आपकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है
करंट सेटिंग करना है, ठीक है। और अभी आप जब पहले जब भी रन मारते हो तो आपको क्या करना है, एक चॉप का लाइन खींच के ले लेने का है। चॉप का लाइन खींचने के बाद में आपको वेविंग टेक्निक से ये करना है वेल्डिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला कि ये जो हम लोग ने पकड़ा इसका 45 में पकड़ के दोनों एंड में उसको सर्कुलर घुमा के वेविंग करना है। वो कैसा किया जाता है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो टेक्निक है गल्फ में जाएंगे तो ये वेविंग टेक्निक से ही वेल्डिंग किया हुआ वो लोग क्या करते हैं, ऐसा पकड़ते कि अगर समझे वेविंग टेक्निक करके घुमा घुमा के शील्ड घुमा घुमा के वेल्डिंग मारे तो ये अच्छा वेल्डर है। इसीलिए आपको क्या है, मैं शील्ड टच करके घुमा के वेल्डिंग करना है। पहले से वैसा आदत रखोगे तो लास्ट तक वही वैसे आदत रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसको बल्ब में बोलते जिलेबी टाइप वेल्डिंग, क्योंकि क्या करते हैं इसको हम लोग ऐसा गोल गोल घुमा के वेल्डिंग करते हैं, और आपको वैसे ही सीखना है अंतर तक रूप से लेके एंड तक, ठीक है। तभी वेल्डिंग घुमा घुमा के कैसे किया जाता है तो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसको कॉर्नर जो है वैसा पकड़ना है आपको, और इसको एक बार इधर 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 ऐसा कर करके आपको जाना है। और ये जो आपका एंगल आपको रखना है कि 45 में रहे, 45 में रहेगा तो गैस पूरा मिलेगा वेल्डिंग को। अगर समझो आपने एंगल बढ़ा दिया तो गैस निकल जाएगा और पोरोसिटी आएगा उसमें, ठीक है। अभी कैसा मारा जाता है वेल्डिंग उसके बारे में आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दो। बाद में देखो मैंने उसको 45 में पकड़ के उसके हिसाब से घुमा रहा हूँ मैं, देख रहे हो। यही टेक्निक फॉलो करके वेल्डिंग करना है। दोस्तों आपने आज देखा कि स्टिक वेल्डिंग का सेटअप कैसे किया जाता है, इसका पार्ट के बारे में आपको नॉलेज बताया, गैस पर प्रेशर कैसे सेटिंग कर रहे हैं, और इसको 45 डिग्री में रख के मूविंग करके बेडोन प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं उसके बारे में आपको आपको हम लोग ने जानकारी दी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा रहेगा, ऐसे ही नए नए वीडियोज हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ में जरूर भेजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं प्रकाश यादव एडवर्ट सेटअप टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।